नमस्कार सभी को। आज की संस्कृत व्याकरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने अव्यय, अव्यय की परिभाषा, व्युत्पत्ति समझी थी। आज हम अव्यय का अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हमने अत्र अव्यय लिया। इसका अर्थ होता है यहाँ। यहाँ के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। वाक्यों में प्रयोग देखते हैं इसका। राम है, अत्र उपविशति, राम यहां बैठता है। यहां पर कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ? अत्र का। हमने परिभाषा में समझी थी कि पुल्लिंग शब्द हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, कोई सा भी हो, तभी भी हमारा अव्यय जैसा का जैसा रहता है। हम यहाँ पर राम की जगह सीता प्रयुक्त करते हैं, तभी भी हमारा अव्यय समान रहेगा। सीता अत्र उपविशति, सीता यहाँ बैठती है। इस प्रकार अव्यय में कहीं पर भी परिवर्तन नहीं देखा जा सकता। कारक, कर्ता और क्रिया में परिवर्तन हो सकता है। अगला अव्यय देखते हैं हम तत्र। तत्र अव्यय का अर्थ होता है वहां। पुस्तकम्, तत्र अस्ति, पुस्तक वहां है। तत्र अव्यय का प्रयोग हुआ यहां पर। यदि हम पुस्तकम, यह एक वचन है, अगर इसको बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं, पुस्तकानि, तभी भी हमारा अव्यय तत्र रहता है। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पुस्तकानि तत्र क्रिया में जरूर परिवर्तन देखा जा सकता है। अस्ति की जगह बहुवचन की क्रिया संति का प्रयोग करना पड़ेगा। पुस्तकानि तत्र संति, पुस्तकें वहां है। अगले अव्यय की बात करते हैं हम कदा। कदा अव्यय का अर्थ होता है कब। कब के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। भवान कदा उत्तिष्ठति, आप कितने बजे उठते हैं। यहाँ पर कौन से अव्यय का प्रयोग हुआ? कदा। कदा अव्यय का अर्थ क्या होता है? कब, आप कब उठते हैं। अव्यय भवान शब्द है यहाँ पर एक वचन का। या अगर यहाँ पर भवंत है भी करते हैं, तभी भी अव्यय क्या रहेगा? कदा। भवान की जगह स्त्रीलिंग शब्द भवती भी प्रयुक्त करते हैं, जब भी हमारा अव्यय कदा रहेगा। अगले अव्यय की चर्चा हम करते हैं कुत्र। कुत्र अव्यय का अर्थ होता है कहाँ। इसका वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। रमेश है, कुत्र पठति, रमेश कहाँ पढ़ता है। इसमें कौन से अव्यय का प्रयोग हुआ? कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। रमेश है कहाँ पढ़ता है। यदि हम रमेश है एक वचन है, बहुवचन करते हैं यहाँ पर, तभी भी हमारा अव्यय कुत्र रहता है। विभक्ति चेंज करते हैं, तभी भी कुत्र रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर द्वितीय विभक्ति रमेशम भी कर सकते हो आप। रमेशम कुत्र पठति, विभक्ति चेंज करोगे, क्रिया भी चेंज हो जाएगी, कुछ और भी चेंज हो जाएगा, पर अव्यय कभी भी चेंज नहीं होगा। कुछ और अव्यय की बात करते हैं। आइए देखिए, तथा। तथा अव्यय का अर्थ होता है वैसे। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे।
वैसे को वैसा भी लिख सकते हैं, जैसे को जैसा भी लिख सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से दोनों का वाक्य प्रयोग देखते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, इस वाक्य में दोनों अव्यय प्रयुक्त हुए हैं। यथा दूसरा अव्यय जो प्रयुक्त हुआ है, तथा दोनों अव्यय का प्रयोग करके हम वाक्य प्रयोग में देख सकते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसा वैसी प्रजा, या जैसे दूसरा वाक्य में प्रयोग देखेंगे हम, तो वहां पर इस प्रकार भी कर सकते हैं। यथा इच्छा अस्ति, जैसी इच्छा है, तो यथा का प्रयोग हो गया यहाँ पर। अगले अव्यय की हम चर्चा करते हैं, च, जो काफी महत्वपूर्ण अव्यय है। इसका अर्थ होता है और, वाक्यों में प्रयोग करते हैं। राम है, लक्ष्मण है, च वनम गच्छति, राम लक्ष्मण वन में जाते हैं। यदि हमने च अव्यय का प्रयोग किया तो राम और लक्ष्मण वन को जाते हैं, इसका अर्थ होगा। अगला अव्यय है वा, वा का अर्थ होता है विकल्प, किसी दो चीजों में से एक चीज का विकल्प देखने के लिए वा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भगवान किम आवश्यकम, चायं दुग्धं वा, आपको क्या आवश्यक है, क्या चाहिए, चाय या दूध, इन दोनों का विकल्प हो गया। अगले अव्यय की हम चर्चा करते हैं, पुनः पुनः अव्यय का अर्थ होता है बार बार। यदि हम दो पुनः अव्यय का प्रयोग करेंगे, पुनः पुनः, तब उनका बार बार होगा। यदि एक पुनः की बात करते हैं तो बार, ये एक बार वापस किसी कार्य को करिए, उसके लिए पुनः शब्द का प्रयोग होगा। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा यहाँ पर, रमा पुनः लिखती, रमा वापस लिखती है, रमा एक बार लिखती है, यहाँ पर पुनः अव्यय का प्रयोग हुआ। अगला अव्यय हम देखते हैं सर्वत्र, सर्वत्र अव्यय का अर्थ होता है सभी जगह, वाक्य में प्रयोग है इसका। ईश्वर सर्वत्र निवसति, ईश्वर सभी जगह निवास करते हैं, इस वाक्य का अर्थ हुआ। यहाँ पर हमने सभी जगह अर्थ के लिए सर्वत्र अव्यय का प्रयोग किया। अगला जो हमारा अव्यय है, उच्चैः, उच्चैः का अर्थ होता है ऊंचा, वाक्य में प्रयोग देखते हैं। सिंह उच्चैः वदति, इस प्रकार वाक्य में प्रयोग हुआ उच्चैः अव्यय का। हमारा अव्यय टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को वाक्य में प्रयोग करना आया होगा। अगले क्लास में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद सभी को।